ओके सो लास्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी तक हमने डिस्कस किया था, तो जो सबसे पहली क्लास है हमारी वो है नॉन पॉलीफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें ऑप्थेल्मोस्कोपिक फीचर्स हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है माइक्रो एनुरिज्म्स। अब जो हमारी कैपिलरी वॉल है वो हमें पता है पेरिसाइट्स की फॉर्म होती हुई भी होती है, तो जब हमारा सेल डैमेज होता है तो देर इज लॉस ऑफ पेरिसाइट्स ऑल्सो, जिसकी वजह से क्या होता है कि फोकल डायलेशन हो जाता है ऑफ द कैपिलरी वॉल्स का। ठीक है, फोकल डायलेशन या फिर हम बोल सकते हैं आउट पंचिंग, ये जिस तरीके से मैंने बना रखा है ये बाहर आउट पंच हो जाती है कैपिलरी वॉल। ठीक है, ये सबसे पहला अर्लीस्ट डिटेक्टेबल लीजन है एट द लेवल ऑफ मैक्यूला। ओके, फिर हम देखते हैं कि हम इसको ऑप्थेल्मोस्कोपी में इट अपियर एज रेड डॉट्स। ठीक है, फिर क्या होता है अगर हम FFA करते हैं एंजियोग्राफी तो उसमें ये फ्लोरेसेंट कलर का दिखता है। फिर दूसरा जो फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट, रेटिनल हैमरेजेस। हमें सुपरफिशियल हैमरेजेस भी दिखेंगे जो हमें पता है फ्लेम शेप्ड होते हैं, और हमें डीप हैमरेजेस भी दिखेंगे जो कि डॉट ब्लॉट शेप के होते हैं। ठीक है, फिर हमें मिलते हैं हार्ड एक्सुडेट्स। हार्ड एक्सुडेट्स क्या होते हैं, येलोइश वाइट वैक्सी पैचेस होते हैं। ठीक है, जो कि क्लम्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बनते किससे, जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं वो लिपिड को एंगल्फ कर लेती हैं, तो दे आर लिपिड फिल्ड मैक्रोफेजेस। और जो लाइपोप्रोटीन्स है जो कि कैपिलरी वॉल से लीक हुए हुए हैं, हमारे लीक्ड लाइपोप्रोटीन्स और लिपिड फिल्ड मैक्रोफेजेस, इन दोनों से मिलके ये हार्ड एक्सुडेट्स बनते हैं। और ये हार्ड एक्सुडेट क्रॉनिक लोकलाइज्ड एडिमा कराते हैं। ठीक है, क्रॉनिक लोकलाइज्ड एडिमा जनरली किस जगह पे होता है, मैक्यूला के रीजन में, तो इट इज मैक्यूलर एडिमा। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे, रेटिनल एडिमा। जो रेटिना की वॉल है वो थिकेंड हो जाती है, क्यों, क्योंकि कैपिलरी में कैपिलरी लीकेज होता है इसीलिए। फिर हमें कॉटन वूल स्पॉट्स दिखते हैं। कॉटन वूल स्पॉट्स क्या होते हैं, ये स्मॉल वाइट फ्लफी सुपरफिशियल लीजन्स होते हैं। ठीक है, ये भी हमें मिलते हैं। फिर वीनस एबनॉर्मलिटीज में क्या मिलता है, हमें जो वेन्स है वो डायलेटेड और लूप्ड दिखेंगी। ठीक है, और जनरली कौन से एरिया में दिखेंगे, एट द एरिया ऑफ सीएनपी। सीएनपी क्या है, कैपिलरी नॉन परफ्यूजन। ठीक है, फिर ये बहुत ही सीरियस डैमेज हो जाता है, इसका नाम है इंट्रा रेटिनल माइक्रोवैस्कुलर एबनॉर्मलिटीज, इसको हम IRMA बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, फाइन इरेग्युलर लाइंस, रेड लाइंस बन जाती हैं एट द लेवल ऑफ एवी शंट्स, जहां पे आर्टरीज वेन्स को क्रॉस कर रही होती हैं, वहां पे हमें फाइन इरेग्युलर रेड लाइंस दिखेंगी। फिर डार्क ब्लॉट हेमरेजेस, हेमरेजेस हमें हेमरेजिक इन्फ्राक्स दिखेंगे। ठीक है, डार्क ब्लॉट कलर के। फिर अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो हम इसको चार मेजर क्लास में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले माइल्ड, माइल्ड अगर ये होगा नॉन पॉलीफोलेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी तो हमें सिर्फ एक माइक्रो एन्यूरिज्म दिखेगा। ठीक है, ओनली वन। फिर मॉडरेट अगर ये होगा तो क्या होगा कि हमें माइक्रो एन्यूरिज्म या फिर इंट्रा रेटिनल हेमरेज दिखेगा। ठीक है, इन टू टू थ्री क्वाड्रेंट्स। ठीक है, हमें हार्ड और सॉफ्ट एक्सुडेट्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। सॉफ्ट एक्सुडेट्स से हमारा मतलब है कॉटन वूल स्पॉट्स। ठीक है, फिर सिवियर NPDR। अब इसके अंदर हम देखते हैं 4-2-1 रूल। 4-2-1 रूल क्या है, चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर अगर हमें माइक्रो एन्यूरिज्म और रेटिनल हैमरेज दिखे, ठीक है, अगर ऐसा हो, या फिर हमें दो क्वाड्रेंट्स के अंदर वीनस ब्लीडिंग दिखे, ठीक है, या फिर एक ही क्वाड्रेंट में हमें IRMA चेंज दिखे। IRMA क्या था, इंट्रा रेटिनल माइक्रोवैस्कुलर एबनॉर्मलिटी। अगर हमें इन तीनों में से कोई एक दिख जाता है तो हम उसको सिवियर NPDR में क्लासिफाई करते हैं। वेरी सिवियर में अगर हमें दो चेंजेस दिखेंगे जो कि इनमें से या तो चारों क्वाड्रेंट्स में माइक्रो एन्यूरिज्म या हेमरेज दिखेगा और साथ में वीनस ब्लीडिंग दिख रही है या फिर IRMA चेंज दिख रहा है, तो वो वेरी सिवियर कैटेगरी में आ जाएगा। अब जो नॉन पॉलीफोरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है वो प्रोग्रेस कर सकती है टू द पॉलीफोरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। कैसे, अगर हमारा ये प्रेजेंट है IRMA, इंटररेटिनल माइक्रोवैस्कुलर एबनॉर्मलिटीज, तो अगर मल्टीपल इंक्रीजिंग रेटिनल हेमरेजेस है, ठीक है, वीनस ब्लीडिंग है, लूप्स प्रेजेंट है, और देर इज अ वेरी वाइड एरिया ऑफ कैपिलरी नॉन परफ्यूजन एरियाज। ठीक है, अब मैंने एक डायग्राम बनाया है टू डेमोन्स्ट्रेट दिस। ये हमारा है ऑप्टिक डिस्क का एरिया, ये हमारे हार्ड एक्सुडेट्स है। ठीक है,
येलो वैक्सी कलर के एक्सुडेट्स और ये हमें नियोवैस्कुलराइजेशन दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा रेटिनल एडीमा है, ये हमारे हेमरेजेस हैं, ठीक है, और ये है हमारा एन्यूनरिज्म, माइक्रो एन्यूनरिज्म। ये है पिक्चर एनपीडीआर की। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।